आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छब्बीस फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रुचि खंडूड़ी भाषण ने अध्यक्षता की बैठक हुई। बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक, बिजली, पेयजल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत तमाम शासन में तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। सुरक्षा की बैठक होगी, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा सचिव का हमारा सत्र चल रहा है, सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी चरपानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहे सत्र को चलाने में, उसकी आज ही बैठक। बिल्कुल, हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशन होते हैं उनकी हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा 26 से सत्र शुरू होने जा रहा है वो अच्छे तरह से करेंगे। हमारे पास अभी तक 300 प्रश्न आए और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विधायकगण अपना प्रश्न जो है, जनता की बात जो है, वो विधानसभा में रखेंगे। इस बार हमारे गवर्नर साहब का अभिभाषण भी है, बजट भी ले होना है, तो पूरा विश्वास है कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग सत्र हम लोग चलाएंगे। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।